उस सुंडी थाइन गुजरान में लोगों के माल मवेशी में अचानक बीमारी नमूदार हुई। मुकामी लोग परेशानियों में मुब्तला हुए। महकमे एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टरों पर लगाए लोगों ने लापरवाही के सख्त इल्जाम। लोगों के कहने के मुताबिक डॉक्टरों की लापरवाही से कुछ माल मवेशी बीमारी से हलाक हुए हैं। वजह रही इस दौरान लोगों ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि इलाके सुंडी और थाइन गुजरान में कई पिछले 8 दिनों से माल मवेशी हलाक हुए हैं और कलारूस में तैनात डॉक्टरों से जब ही रब्ता किया लेकिन इंसाफ या ट्रीटमेंट न मिल सका। नवीन वजह रहे इस दौरान आज बीजेपी से वाबस्ता शेर जमान दीदड़ ने चीफ एनिमल हस्बेंड्री कुफारा से रब्ता किया तो उनकी मुदाखलत से ही आज एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टरों की एक टीम मजकूरा इलाके में आई और इलाके में माल मवेशियों का इलाज करना शुरू किया। जिस दौरान मजकूरा इलाके के लोगों ने चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर कुफारा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कलारूस में तैनात डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। ग्राउंड जीरो पर ब्रट अल्ताफ जुड़े हैं, लिए चलते हैं ब्रट अल्ताफ के पास। अल्ताफ के पास क्या ताजा तरीन सूरत हाल है? विदाई कश्मीर के लिए मैं जिले कुफारा से ब्रट अल्ताफ और इस वक्त मैं शुंडी इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर आज इसी इलाके में लोगों ने मुझे बुलाया और लोगों ने यही कहा कि 8 दिन से यहाँ पर माल मवेशी में अचानक बीमारी नमूदार हुई जिससे यहाँ पर तकरीबन दर्जनों माल मवेशी जो है हलाक हुए हैं। तो नाज़रीन बताते चलूं कि लोगों की शिकायत के बाद जब ही हमने चीफ एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर मोहम्मद अशरफ मलिक साहब से बीमार हुए माल मवेशियों के बारे में जानकारी दी तो फौरन उन्होंने इलाके कलारू शुंडी थाइन गुजरान में डॉक्टरों की एक टीम को रवाना किया जो अभी भी इस इलाके में बीमार माल मवेशियों की इलाज कर रही है। जिस दौरान लोगों ने जिले इंतजामिया कुफारा और चीफ एनिमल हस्बेंड्री कुफारा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ मलिक से की मुदाखलत अपील। लोगों के कहने के मुताबिक अगरचे कलारूस में तैनात डॉक्टर वक्त पर इलाके में इस मामले को लेकर और बीमार हुए माल मवेशियों को इलाज करते तो ऐसा नुकसान इलाके में देखने को नहीं मिलता। देखते रहे आप इलाज कश्मीर। इन गरीब लोगों को जिन्होंने इस माल मवेशी के इवज में बैंक से लोन निकाला हुआ है इसके लिए कार्रवाई करके इसका इलाज करवाया जाए। जी बिल्कुल, डॉक्टर ही जिम्मेदार हैं। अब अगर आम इंसान उसमें कुछ भी करता तो कुछ भी नहीं चलती। दूसरी एक बात और दूसरी है कि गोजर और पहाड़ी लोगों को नफरत की निगाह से देखा जाता है। बिल्कुल। यह नहीं समझा जाता है कि इन पे जुल्म हो या ना हो। ये गोजर हैं, इनके माल मवेशी मरते हैं, इंसान भी मरते हैं, तो उनको कोई भी परवाह नहीं है। इंसाफ दो, इंसाफ दो डीसी साहिबा, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो गवर्नर साहब, इंसाफ दो। इंसाफ ये इस चीज़ का मांग रहे हैं कि ये देहाती इलाके हैं, बिछड़े हुए इलाके हैं, यहाँ पर गुज्जर पहाड़ी लोग रहते हैं, क्योंकि इन लोगों का रहन सहन जो भी है बंदोबस्त इनका माल मवेशी के साथ है। ये गाय बैल अपनी चराते हैं, अपने पालते हैं, उनको बिक्री करके अपने बच्चों का पेट भरते हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि खुदा की तरफ से एक ऐसी बीमारी नमूदार हुई है गायों को, जो कि गायों को थोड़ी सी मतलब टांग में सूजन होता है और एक दिन एक रात बीतती है, रात के अंदर अंदर ही वो गाय मर जाती है। तो कहीं दिनों से ये तकरीबन 8 दिनों से ये मामला चल रहा है। डॉक्टरों को फ़ोन किया है, कोई डॉक्टर अनवर नाम का कोई डॉक्टर है जो कि यहाँ पर तैनात है, उससे भी रब्ता किया तो वो वहाँ से उसकी जवाबी कार्रवाई यही आती है, जवाब आता है कि मैडम जी से बात कीजिए, जब मैडम हमें बोलेगी कहीं पर भेजने के लिए तो हम तभी जाएंगे। और दूसरी डिमांड वो रखते हैं गाड़ी की। देखिए यहाँ पर अगर लोग गाड़ी डॉक्टर के लिए यहाँ से कलारूस भेजते तो वो गाय को क्यों नहीं कलारूस लेकर उस दफ्तर के पर 6 गाय मर चुकी हैं अल्ताफ साहब। हाँ, एक हफ्ते के अंदर 6 गाय मर चुकी हैं, वो अभी खड्डा खोद के उसमें हम अभी आपको दिखाएंगे भी, क्योंकि ये पिछले 8 दिनों से चल रहा है। लेकिन आज कल संडे था, कल इनको कल दिन में यहाँ पर 6 गाय बीमार हुई हैं। कल इनसे जब रब्ता हुआ था मैडम ने ये कहा कि आज संडे है, डॉक्टर कोई आने के लिए राज़ी नहीं है। जब शाम को मेरी बात हुई तो मैडम ने कहा मैं सुबह 9 बजे टीम लेकर पहुँचती हूँ, तो आज 11 बजे मैंने मैडम को कॉल किया तो मैडम ने कहा मुझे गवर्नर साहब से जो ऑर्डर आई है कहीं और ड्यूटी मुझे शिफ्ट की गई है। फिर मैंने अपने इससे बात की, चीफ साहब से बात की, तो 11 बजे चीफ साहब से बात की है और 1 बजे यहाँ पर हमें पहली बार आज एम्बुलेंस देखने को मिली है और अभी वो डॉक्टर की टीम यहाँ पर पहुँची है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमें रोना पड़ा, जब हमने अपने माल मवेशी मार दिया, तब जाकर हमारे यहाँ पर आज वो डॉक्टरों की टीम पहुँची है। लेकिन मुझे बड़ी आपके चलन की वसादत से मैं डिप्टी कमिश्नर कुपारा से गुजारिश, मैडम जी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो देहाती बिछड़े हुए इलाके हैं, इन इलाकों के अंदर लोगों का रहन सहन है जो वो माल मवेशी के साथ है, यहाँ पर एक ऐसी बीमारी है जो एक दिन से ऊपर गाय को नहीं जाने देती है, एक दिन के अंदर अंदर वो गाय मर जाती है, क्योंकि इन लोगों के वो एक गाय 60,000
70,000 रुपया तकरीबन एक साल में, डेढ़ साल में ये लोग दो साल में कमाते हैं, इनके पास वो उतनी बैलेंस नहीं है। लेकिन मेरी हाथ जोड़कर विनती है आपके चैनल की वसादत से, मैडम जी से, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा साहिबान से, कि यहाँ पर इन लोगों को नज़रअंदाज ना किया जाए। अगर यहाँ पर डॉक्टर हैं, अगर गवर्नमेंट की तनख्वाह ले रहे हैं, तो एक गरीब से क्यों वो दफ्तर तक गाड़ी मांग रहे हैं? क्या मुझे बताइए कि अगर आपके यहाँ ये डी साहब ने या इनके हक में ये गाड़ी, इनको अगर एक गरीब को भेजनी है, उसकी गाय बीमार है, तो ठीक है ये गाड़ी भेजे। अगर डॉक्टर को खुद यहाँ पर आकर एक हफ्ते में दो बार तीन बार यहाँ पर माल मवेशी को देखना है, तो शुंडी के अंदर क्यों नहीं आ रहे? सालों के साल यहाँ पर डॉक्टर नहीं आ रहे, या प्राइवेट डॉक्टर इन लोगों को लाने? ये पहली बार हम देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं कि ये गाड़ी यहाँ पर और तीन डॉक्टर यहाँ पर आए। बड़े खुशी की बात है कि आज तीन डॉक्टर यहाँ पर आए, तब आए जब चीफ साहब से रब्ता है, जब मीडिया यहाँ पर पहुंची। लेकिन फोन कर करके हो सकते हैं ये लोग कम से कम, हाँ पांच हो गई है गाय, दो मौली साहब के हमने उसको, जो गाय मर चुकी है उसको तो हमने दफन कर, मार के खत्म हो जाएंगे। उनका संडे चल रहा है, वो किस लिए ले रहे हैं ये जो पेमेंट ले रहे हैं, किसकी ले रहे हैं? वो माल मवेशी की देखने देखभाल के लिए ले, और ऊपर से फिर जब दूसरी बार हमने फिर कॉल की आज सुबह सवेरे, और शेर जमान के साहब के पास फिर पब्लिक जमा होगी, फिर गए इसके पास, और इसका बहुत बहुत शुक्रिया कि इसने फिर वहाँ से मैम साहब को फ़ोन किया, उसने बोला सेक्रेटरेट से मुझे ऑर्डर निकली है कहीं लिस्टियाल में जाना है, मेरा कोई मुलाजिम यहाँ पे नहीं आ सकता। एक सीनियर हमारे को फ़ोन करके यहाँ से ये बात बोल रही है, तो हमारा इस पसमंदा इलाके का क्या होगा? जबकि हम यहाँ से फ़ोन भी करते हैं, डॉक्टर का ये ड्यूटी है भाई रोज़नामा वहाँ पर पहुँचना, तो डॉक्टर हमने तो कई सालों भर नहीं देखे। तो उसके बाद मैं चीफ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उसने हमारे शेर जमान साहब की फ़ोन अटेंड की, और चीफ साहब ने वहां से इनके इनको फ़ोन किया और टीम भेजी। आज हम ये एम्बुलेंस एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की यहां देख रहे हैं, तो किसकी है क्या हमारे को पता नहीं है। इस गाड़ी में तीन चार मुलाजम आए, यहाँ पहुँचे, उन्होंने यहाँ पे गायों का मौका किया, जबकि मौके के दौरान यहाँ हमारी सीनियर कलारूस की जो मैम साहब है वो पास ऐसी नाइंसाफ़ी हो रही है। बेकजा मार गया, मारो सूत्रों से माल पर आ जाए, माल ना रहे तो मारी क्या असर।